नमस्कार मित्रों, स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं रविरंजन कुमार। आइए देखते हैं पाठ योजना। प्रकरण है मापन। सबसे पहले पाठ योजना क्रमांक ऊपर लिखते हैं, उसके बाद से उसके नीचे सात कॉलम बनाते हैं। उसमें तिथि, कक्षा, विषय, उप विषय, कलांश, अवधि, दिन लिखते हैं। उसके नीचे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखते हैं। उसके नीचे विद्यालय, जिस कॉलेज में या स्कूल में आपका इंटर्नशिप होता है। प्रकरण है मापन। सामान्य उद्देश्य, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना, बच्चों विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिज्ञासु प्रवृत्ति का भाव उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी मापन के मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, बच्चे मापन की विभिन्न प्रणालियों को जानकारी प्राप्त कर अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर सकेंगे। छात्र छात्राएं मात्रकों के प्रकार से परिचित हो सकेंगे। विद्यार्थी मापन के सही मात्रकों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक आदि शिक्षण विधि होगी। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पहले से मापन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। दूसरे पेज में प्रस्तावना प्रश्न, दूसरे तीन कॉलम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला प्रश्न होगा, दूध का मापन किस में करते हैं? उत्तर में लीटर। कपड़े की लंबाई चौड़ाई किस में मापते हैं? तो मीटर में। किसी वस्तु की लंबाई किस में नापते हैं? तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट आदि में। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को नापने को क्या कहते हैं? उत्तर में समस्यात्मक प्रश्न। उसके नीचे उद्देश्य कथन में, विद्यार्थियों आज हम लोग मापन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के बाद से प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, फिर से पांच कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया, चौथा शिक्षण विधि, पांचवा सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु मापन का परिभाषा में विकासात्मक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, इकाई किसे कहते हैं? तो उत्तर में, ऐसा मानक स्टैंडर्ड जिसका उपयोग दैनिक राशि मापने के लिए किया जाता है, इकाई या मात्रक कहलाता है। यह विधि के प्रश्नोत्तर विधि। सैंपट कार्य में मूल मात्रक, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारित मात्रक भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, मापन किसे कहते हैं? उत्तर में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद मापन का स्पष्टीकरण, छात्र अध्यापक कथन में विभिन्न वस्तुओं को उनके मापक यंत्र से नापने को मापन कहते हैं। भौतिक राशि नहीं, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसमें परिमाण मात्रक दोनों हो, भौतिक राशि कहलाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग आदि। मात्रक के इकाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक के तीन प्रकार हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। मापन के विभिन्न प्रणाली, डिफरेंट सिस्टम। पहला प्रणाली है फुट पाउंड, सेकेंड प्रणाली से संक्षेप में FPS सिस्टम कहा जाता है। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम, सेकेंड प्रणाली इसे संक्षेप में CGS सिस्टम कहते हैं। तीसरा मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर प्रणाली से संक्षेप में MKS कहते हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यह प्रणाली पूर्ण रूप 1971 ईस्वी में लागू किया, इसे संक्षेप में SI प्रणाली भी कहा जाता है। आजकल सही मापन SI प्रणाली पर आधारित है। मूल राशियाँ SI मात्रक जो सात हैं, लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ का द्रव्यमान का मोल। उसके बाद से पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला प्रश्न, मापन किसे कहते हैं? तो विभिन्न वस्तुओं को उनके मापक यंत्रों से नापने को मापन कहते हैं।